वैष्णो देवी के दर्शन कर झांसी जा रहे छतरपुर के दंपत्ति का 2 महीने का बेटा मालवा एक्सप्रेस ट्रेन से अगवा हो गया। मामला 6 अप्रैल की रात का है। डबरा में दंपत्ति की नींद खुली तब बच्चा सीट पर नहीं था। हैरानी की बात यह है कि इंदौर जीआरपी को वहां के एक दंपत्ति ने 8 अप्रैल को बच्चा ये कहते हुए सौंपा कि वो उन्हें मालवा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में ऊपर की बर्थ पर लावारिस मिला था, जिसके बाद ग्वालियर जीआरपी ने एक टीम इंदौर भेजी है। बच्चे के अपहरण की FIR 7 अप्रैल को दर्ज की गई थी। दरअसल छतरपुर के रजपुरा निवासी उमेश कुमार अहिरवार ने बताया कि 5 अप्रैल को अपनी पत्नी और बेटे के साथ वैष्णो देवी के दर्शन कर मालवा एक्सप्रेस ट्रेन से लौट रहे थे और इसी बीच ट्रेन से बच्चा चोरी हो गया। परिवार ने ग्वालियर जीआरपी थाने में शिकायत की। पुलिस ने अपहरण में केस दर्ज कर सभी थानों को सूचना भेज दी। एक बच्चा इंदौर से मिला है, मालवा एक्सप्रेस में ही एक दंपत्ति को वो मिला था। इस दंपत्ति का कहना था कि ट्रेन में लोगों से पूछा कि बच्चा किसका है, किसी के सामने नहीं आने पर बच्चा इंदौर जीआरपी को सौंप दिया। बच्चे को लेने परिजन इंदौर पहुंच गए हैं। ग्वालियर जीआरपी के जवान भी उनके साथ हैं। जीआरपी के TI पंकज दीवान का कहना है कि अपहरण का मामला दर्ज कर CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिस दंपत्ति ने बच्चों को जीआरपी को सौंपा है उससे पूछताछ की जाएगी और अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि फरियादी की बात में कितनी सच्चाई है। ये उमेश अहिरवार अपनी पत्नी के साथ जम्मू तवी से झांसी की यात्रा कर रहे थे। आगरा में ये खाना खाके सो गए थे। जब इनकी नींद डबरा में खुली तो इन्हें पता चला कि इनका 2 माह का बच्चा नहीं था, जिसकी इन्हें तलाश की वहाँ पे डबरा में भी और झांसी में भी तलाश की। उसके बाद ये इन्होंने रिपोर्ट की। इनकी रिपोर्ट पर से ग्वालियर थाना GRP BG में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है।